कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले आप लोग कमेंट में कहें कि आप कैसे हो और शादी कैसी रही, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मैरिज भी मेरी बहुत अच्छी रही। हाँ, तो कुछ लोगों ने कहा था कि मुझे इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे कि आपका वीडियो बहुत टाइम से नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, या कहाँ आपने यूट्यूब छोड़ दिया है क्या? नहीं तो फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा है, मैं उसमें अभी भी वीडियो अपलोड करूँगी और उतनी ही मेहनत करूँगी जितनी पहले कर रही थी। लेकिन अभी मैंने बताया था कि मेरी शादी हुई है, तो फिर उसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, वीडियो शूट करने का। और जो समझते ही हैं यार, कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, रस्में वस्में निभाने में, तो नहीं हो पाया, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। हाँ, कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे कि आप कोई पिक्चर्स शेयर नहीं की, ना आपने इंस्टा पे की और ना ही आपने कोई वीडियो में पिक्चर्स शेयर की। तो वो पिक्चर्स भी मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं फ़ोन अपना साथ रखना भूल गई थी, मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पिक्चर्स दिए थे, तो वही पिक्चर्स मेरे पास हैं। बाकी अगर जो ग्राफर्स के अगर पिक्चर्स हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो मैं बोलेंगी तो मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर वो आपके पास शेयर करूँगी। लेकिन जितने भी पिक्चर्स हैं वो मैं अपनी वीडियो में आपको जरूर दिखा दूंगी कि मैंने क्या पहना था। लहंगा कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने क्या पहना था, किस कलर का पहना था, क्योंकि मेरा एक वीडियो आया था उसमें मैंने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि मैं कौन से कलर का पहन रही हूँ, क्या पहन रही हूँ और कैसा सोचा है मैंने, तो वो सब मैंने नहीं बताया था, एक सरप्राइज रखा था। तो वो मैं आज अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस कलर का लहंगा पहना था और कैसे मेकअप किया था, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी। और रही एक चीज़, एक टिप्स और देना चाहूँगी यार फ्रेंड्स, मुझे हल्दी लग रही थी तो मुझे हल्दी पता नहीं क्यों सूट नहीं की जाने क्या, क्योंकि मुझे मेरा ऑयली स्किन है, मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, टी जोन मेरा ऑयली है, तो उसकी वजह से मेरा फेस पे गर्मियों में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और आप जानते हैं कि मई और जून के टाइम कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, मेरी मैरिज तो मई में हुई थी लेकिन उस टाइम भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मुझे इतनी ज़्यादा, उसके बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि मेरे स्किन पे इतने छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो निकल आए अचानक से। इनफैक्ट शादी मेरे रात को शादी हुई, मॉर्निंग में जब विदाई के टाइम मुझे इतना फेस मेरा रेड हो गया था कि पूरे फेस पे मेरे दाने वाने निकल आए। तो फिर उनका बहुत मुश्किल से इनका वो ट्रीटमेंट करके समझिए ठीक हुए हैं। मैं बता देती हूँ कि जिनको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे पहले आप अगर आपके पास टोनर हो तो आप टोनर अप्लाई ज़रूर कर लें। और क्योंकि टोनर से क्या होता है, आपके फेस तो क्लीन रहता ही है, साथ ही पिंपल्स को भी काफ़ी आपको कम उसको क्रिएट करेगा, कम होंगे आपको पिंपल। दूसरी चीज़, आप तुरंत अगर आपके पास आइस हो तो तुरंत अपने फेस पे जो पिंपल्स भी नहीं, ये दाने होते हैं, एलर्जी टाइप से हो गई थी, ये पिंपल्स भी नहीं है, तो इनको आप तुरंत ही बर्फ से इसकी सिकाई कर लें, किसी कपड़े में लपेट के उसको और अच्छी तरीके से सेकें, ताकि वो वहीं की वहीं दब जाए। नॉर्मली शादी के टाइम अगर किसी को अचानक से पिंपल हो जाए, अचानक से कोई दाना निकल आए हो जाता है फेस पे, तो उस टाइम भी ये जो आइस होती है, जो आइस क्यूब होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और वो आपकी पिंपल को वहीं की वहीं रोक देंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ही अजीब सा लगेगा। खैर, मेरे मेकअप में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, मेकअप भी आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा किया था, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेकअप कैसा था और मेरा लहंगा कैसा था, तो वो मैं आपके साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूंगी, और हो सकेगी तो इसी वीडियो में शेयर करूंगी। अगर नहीं हो पाया तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। अभी मैं देखती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पिक्चर्स हैं, तो वो मैं ज़रूर कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगी, बाकी जो और पिक्चर्स हैं वो मैं फिर कभी वीडियो में शेयर करूंगी। इसमें मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर पाऊंगी जो भी मेरे पास अभी इस टाइम है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी दानों के बारे में, तो हाँ, तो ये सब हो जाता है यार, अब अचानक से हो गया तो मैं क्या करती। अभी भी मैंने अपने फेस पे कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि गर्मी है और गर्मी के टाइम बेहतर है मेकअप में, आप जानते ही हो, हमेशा मेकअप में रहने से तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। अभी मैंने सिर्फ सिंदूर और लिपस्टिक लगाया है फेस पे, सिर्फ अपना टोनर यूज़ किया है, टोनर के अलावा और कुछ नहीं लगाया है। मैंने किया था मेकअप, आफ्टर मैरिज भी मेकअप किया था, ऐसा नहीं है मेकअप नहीं किया था, किया था, और लेकिन हाँ, मैं जितनी ज़रूरत है जितनी देर के लिए उतनी ही देर के लिए किया था, उसके बाद मैंने उसको रिमूव कर दिया था, अच्छी तरीके से अपने फेस को क्लीन कर लिया था ताकि मेरे फेस पे और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तो काफ़ी हद तक ये मेरे ठीक हो चुके हैं, लेकिन मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स छोड़ दिए हैं, धीरे धीरे ये भी चले जाएंगे। मैंने बताया है काफ़ी सारी रेमेडीज़, वो मैं क्योंकि मैं विश्वास होम रेमेडी में ही ज़्यादा करती हूँ, तो वो सब मैं यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी हद तक ये कम हो गए हैं फेस पे, वरना तो इतने ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी।
तो पिक्चर्स की बात करते हैं तो हाँ पिक्चर बहुत सारे यार पोज़ेस भी हुए थे बहुत अच्छे, तो वो सब मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास कुछ ही हैं जो मेरे फ्रेंड्स ने क्लिक किए थे पिक्चर्स, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आपने पिक्चर शेयर नहीं किए, आपने यूट्यूब छोड़ दिया और अब आप कहाँ बिजी हो गए, शादी हो गई तो मतलब सब लाइफ ख़त्म हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैरिज हो गई तो अब मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ या फिर मैं वीडियोज़ नहीं डालूंगी, तो ऐसा नहीं है। वीडियोस मेरे आएंगे, अब आना शुरू हुए हैं क्योंकि अभी मैं घर में भी थोड़ा मेरे प्रॉब्लम हो गया था, तो वो मैं अब फिर कभी आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो उस वजह से मैं थोड़ा बिजी थी और मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो शूट करने का, तो आज बहुत टाइम बस सोचा यार कि क्यों ना आप लोगों से बात की जाए। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आप इतना सिंपल क्यों हो, अभी अभी शादी हुई है ये वो, तो यार गर्मी है, मर्जी है जिसका, वो पहनना चाहे वो जितना कुछ पहन सकता है, मुझे सिंपल रहना पसंद है ज़्यादा, नहीं मेकअप घर में तो नहीं करती हूँ मैं, घर में सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ अगर कहीं जाती हूँ पार्टी वार्टी में या कुछ भी है कहीं जाना आना है तो मैं ज़रूर मेकअप करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप पसंद है, मुझे आई लव मेकअप, तो इसलिए मैं सिंपल हूँ। नॉर्मल सा चेन पहना हुआ है मैंने और सिंदूर लगाया, कान में छोटी छोटी बालियाँ पहनी है, देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी हैं। और हाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके दीदी नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो फ्रेंड्स नेल्स अभी नहीं है मेरे, नेल्स एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया अचानक से मेरे नेल्स में एक एक करके सारे टूटने लगे अचानक से, अब वो टूटते टूटते कुछ टूट गए, फिर मुझे एक दिन लगा कि यार बीच बीच आधे हैं आधे नहीं है मेरे, यहाँ तक कि मैरिज में लोग बोलते हैं कि यार नेल्स थोड़े सही होने चाहिए अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरी रिंग सेरेमनी भी मेरी मैरिज वाले ही दिन थी, तो जब टूट गया तो फिर मैंने काट दिया, और मैंने फेक नेल्स पे अप्लाई नहीं किए क्योंकि मुझे नहीं करने थे, मुझे फेक नेल्स ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे जितने अपने ओरिजिनल नेल्स पसंद है, जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा कि मेरे ओरिजिनल नेल्स कैसे थे, तो मैंने अप्लाई नहीं किया है फेक नेल्स, तो जो थे वैसे ही मैं नेल पेंट लगा के और मैंने अपनी मैरिज एंजॉय की। लेकिन हाँ अब देखते हैं आगे क्या होता है, बढ़ाते हैं इनको, लेकिन हाँ पता नहीं यार अचानक से क्या हुआ कि एक एक करके सारे टूटने लगे बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग बोलते हैं हो सकता है कैल्शियम की कमी हो गई हो इस वजह से सारे नेल्स टूट रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कैल्शियम की कमी हो यार, पता नहीं मुझे इस बारे में, और ना मैंने ध्यान दिया अभी, लेकिन हाँ अगर अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ज़रूर ध्यान दूंगी, और जिनको भी आती है ये प्रॉब्लम तो यार उसके लिए कोई ज़रूर मैं चीज़ देखूंगी कि ये प्रॉब्लम मुझे भी ना हो और अगर और किसी को भी होती है तो उनको भी ना हो। तो यही सब बोल रहे थे कि पिक्चर शेयर नहीं किए, तो पिक्चर्स मैं शेयर जरूर कर दूंगी। आज हम लोग बहुत टाइम बाद आए हैं, तो शादी में जैसे मैंने कहा था यार कि डांस वांस होगा बहुत ज़्यादा ये सब होगा, तो मेरा तो डांस हुआ ही नहीं, इतना टाइम हो गया था कि डांस नहीं हो पाया, लेकिन बाकी सब ने फ्रेंड्स ने बहुत इंजॉय किया, अच्छे से डांस वांस किया, मेरे पास कुछ वीडियो होगा जब रापर मुझे वीडियो देगा तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और अभी गर्मी है और आज ईद है, तो ईद सभी को बहुत मुबारक हो, सबको बहुत बहुत बधाई ईद की, और अच्छे से इंजॉय करें, ईद मनाएं, अच्छे से सेलिब्रेट करें, सेवैया खाएं। हाँ तो ईद, हाँ और मैं आज ईद के लिए हो सकता है अगर मैं ईद के लिए इनविटेशन है मेरे ईद में जाने का, तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं गई तो मैं कैसे तैयार हुई हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और फ्रेंड्स नहीं गई तो फिर सॉरी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी हो सकता है मुझे कहीं और जाना पड़े अपने फादर के साथ, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और अभी मैं कुछ लोग पूछेंगे अभी आप कहाँ पर हो, तो मेरा बैकग्राउंड देख के आधे लोग समझ गए होंगे कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, अभी मैं अपने मायके में हूँ, अपने घर पे हूँ, आई हुई हूँ मैं, तो काफ़ी टाइम की गई थी यहाँ पर, 15 को आ गई थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट किया मैंने। और हाँ मैं पिक्चर्स में आपको अगर हो पाएगा तो अपनी फैमिली मेंबर से, जो न्यू फैमिली है मेरी, उन सब से भी पिक्चर्स में ज़रूर मिलवाऊंगी। तो चलिए अब इस वीडियो में तो मैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा, जो और पिक्चर्स ग्राफर देगा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और
फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर मैं आपको मेरी कोई भी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी अगर टिप्स आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आप लोग करते हो, तो क्या होता है कि हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी वीडियोज़ कोई पसंद कर रहा है, तो हमें भी ये लगता है कि यार यार चलिए सब पसंद करते हैं तो अपनी नेक्स्ट वीडियो डालते हैं। और कमेंट करना कोई भी चीज़, अगर आप कोई मेकअप देखना चाहते हैं किसी से इंस्पायर, अगर कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और करूँगी, इंस्टाग्राम पे कोई भी उल्टे सीधे मैसेजेस ना करें, जो भी फालतू की मैसेजेस करते हैं लोग, नहीं ऐसे करने चाहिए, क्योंकि बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। मैं शेयर नहीं कर रही हूँ अभी कि क्या बोला गया है, लेकिन हाँ प्लीज़ यार मत करिए आप लोग, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। ये रही मेरी पिक्चर जो मैंने पार्लर में क्लिक की थी। मेरे पास ये मेरे खुद के कैमरे से, फ़ोन से यही दो ही पिक्चर मैं क्लिक कर पाई थी। उसके बाद फ़ोन मेरा, जैसा कि मैंने बताया, फ़ोन मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये दो ही पिक्चर्स क्लिक की थी। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ यहाँ पर्पल और वाइन कलर का लहंगा पहना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैंने मेकअप खुद नहीं किया था, क्योंकि हेयर स्टाइल खुद से नहीं इतना बना पाएंगे, ना ही इतना टाइम होता है उस टाइम कि खुद से मेकअप कर पाए। तो मेरी भाभी हैं, तो उन्होंने ये मेकअप किया था, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मेकअप कैसा था, और मेरा लहंगा आप लोगों को कैसा लगा, तो प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। तो बाकी की जो पिक्चर्स हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये मेकअप आपको पसंद आए या मेरी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लहंगा और मेकअप कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा। और जल्दी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।